होता है। कमाल है मम्मी, मैं समझ रहा था कि मेरे दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट तो पढ़ा लिखा होगा। हमारे जमाने में नहीं था ये क्लोनिंग वोनिंग। स्कूल तो स्कूल, घर में भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। अच्छा तो जा जा अपने डैडी से पूछ, इंटेलिजेंट डैडी से। ये और इंटेलिजेंट, मम्मी इससे अच्छा है कि मैं अपने दोस्त से ही पूछ लूं। ए, दोस्त से क्यों पूछेगा, तेरा इंटेलिजेंट बाप मर गया है क्या? अच्छा तो अभी क्लोनिंग का मतलब समझाइए। क्लोन, अरे वेरी सिंपल चिंटू, क्लोनिंग का मतलब होता है जोकरों जैसी हरकतें करना, जो तेरे डैडी हर वक्त करते रहते हैं। शट अप कोके, शट अप। डैडी क्लोनिंग नहीं, क्लोनिंग CLONING। अरे छोड़ ना चिंटू, तू अपना होमवर्क कर, होमवर्क कर। वही तो होमवर्क है, मिस ने कहा है कि जाकर क्लोनिंग के बारे में अपने पेरेंट्स से जानकारी लेकर आओ। मिल गई जानकारी, मिल गई तेरे क्लोनिंग के बारे में। अरे वाह, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है। स्कॉटलैंड की एक लैबोरेटरी में क्लोनिंग मेथड से डॉली नाम की एक भेड़ को जन्म दिया गया है। क्लोनिंग एक ऐसी जेनेटिक टेक्नोलॉजी है जिससे प्राणी के मांसपेशी से उसी शक्ल सूरत का दूसरा प्राणी तैयार किया जा सकता है। उसी शक्ल सूरत का? इस जैविक तंत्र विज्ञान ने दुनिया भर में धूम मचा दी है, क्योंकि क्लोनिंग से इंसान की भी हूबहू कॉपी जेरोक्स कॉपी की तरह बनाई जा सकती है। मम्मी, हम डैडी का क्लोनिंग कराएंगे? नहीं, इस ओरिजिनल पीस ने मेरे नाक में इतना दम करके रखा है कि और नहीं। मम्मी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं डैडी का जरूर क्लोनिंग कराऊंगा, फिर मुझे एक और डैडी मिल जाएंगे। मेरा बेटा चिंटू, देखा मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। जीता रहे पुत्र, जीता रहे, जीता रहे। एक और ऐसा ही पीस बनाकर तू क्या करेगा? मैं नए डैडी को पढ़ा लिखा कर समझदार बनाऊंगा। I tell you, Kishu, I just tell you, this new generation, you know, it thinks so fast. ये कौन सी language बोल रही हो कोकी? मेरा मतलब ये नई generation बहुत आगे का सोचती है। Shut up! Oh my God! Oh no! Oh damn! क्या हुआ डॉल, परेशान क्यों हो? शूटिंग कैंसिल हो गई? Oh, I wish शूटिंग कैंसिल होती दिल। 1733। 1733 किसका फोन नंबर है ये? फोन नंबर नहीं है दिल, 1733। एक साथ तीन तीन शूटिंग है। Oh, wow! आजकल बहुत बिजी चल रही हो। टच वुड दिल, टच वुड। कमाल है, मेरा सर क्यों छू रही हो भाई? अरे जब कुछ अच्छा होता है ना तो अंग्रेज लोग कहते हैं टच वुड, लकड़ी छू कर, ताकि किसी की नजर ना लग जाए। टच वुड। तो कमाल है, घर का सारा फर्नीचर छोड़कर तुम मेरा सर छू रही हो? हाँ, क्योंकि खोखली वुड ज्यादा लकी होती है। इस हिसाब से तो तुमको केकड़े का सर छूना चाहिए, क्योंकि उसकी वुड खोखली भी है और सड़ीली भी। हेलो प्रेमा जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके साथ बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। क्यों प्रेमा जी? 1733। 1733? मैं समझाता हूँ, एक साथ तीन तीन, आज डॉल की एक साथ तीन तीन शूटिंग्स हैं। तीन तीन शूटिंग? कांग्रेचुलेशंस प्रेमा जी, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, लेकिन थैंक्स कहने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन आपने कह तो दिया। लेकिन वक्त नहीं है। ओहो हो, केकु जी, मैं सोच रही थी अगर एक जेरोक्स मशीन होती तो मैं अपनी जेरोक्स कॉपीज निकाल लेती, एक को फिल्म सिटी भेज देती, एक को फिल्म स्थान भेज देती, और एक को मैं रख लेता। प्रेमा जी, मैं रख लेता, मुझे रखने दीजिए प्लीज। अच्छा, और मैं जेरोक्स मशीन की सर्विसिंग करते बैठता ना। अरे क्यों टेंशन ले रहा है, तेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना? ओह, मैं तो भूल ही गया। केकु जी, कैन यू प्लीज टेल मी कि मैं इतनी सारी शूटिंग्स कैसे मैनेज कर सकूं? अरे प्रेमा जी, आप अपना क्लोनिंग क्यों नहीं करवा लेती? क्लोनिंग? यस, क्लोनिंग। देखिए आज के अखबार में ही खबर छपी है, लंदन के एक साइंटिस्ट ने भेड़ के एक छोटे से सेल से दूसरे भेड़ को जन्म दिया, और इत्तेफाक से उस भेड़ का नाम है डॉली। तुम मेरी डॉल की तुलना एक भेड़ के साथ कर रहे हो? दिलरुबा, तू एक काम कर, अपना भी क्लोनिंग करवा ले, सुना है वहाँ बंदरों का भी क्लोनिंग हो रहा है, उसके लिए तुम अपनी बॉडी का सेल क्यों नहीं भेजते? यस प्रेमा जी, यस। लिसन, जैसे ये स्पेशल क्लोनिंग की टेक्निक इंडिया आए, आप मेरा फोन नंबर डायल करके मुझे प्लीज बता दीजिएगा। फोन क्यों प्रेमा जी, मैं पर्सनली आऊंगा ना। ओके, बाय बाय। मैं अपनी क्लोनिंग कराऊंगी, मैं अपनी क्लोनिंग कराऊंगी। हाँ डॉल, आइडिया बुरा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपनी क्लोनिंग करवा ही लूँ। क्लोनिंग? देखो ना, एक दिलरुबा झाड़ू कटका करेगा, दूसरा दिलरुबा खाना पकाएगा, और मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? कोकी जी, प्रेमा जी, प्रेम।
प्रेमा जी, प्रेमा जी आ गया है केशव, आ गया है। क्लोनिंग का टेक्निक हमारे देश में आज से हजारों साल पहले आ गया है। क्या बात कर रहा है गोखले? हाँ केशव, क्या तूने महाभारत पढ़ा नहीं? पढ़ा तो नहीं, लेकिन आउटलाइन मालूम है। डिटेल में सुन। हाँ बोल। महाभारत में एक रावण था। महाभारत में रावण था? क्यों फेंक रहा है गोखले? छोड़ना यार, तुम मतलब की बात सुन। हाँ ठीक है, बोल बोल। एक रावण था। हाँ। रावण के दो भाई थे, अहिरावण महिरावण। अहिरावण महिरावण के खून के एक एक कतरे से लाखों अहिरावण महिरावण पैदा होते थे। मतलब प्रेमा जी का क्लोनिंग करवाने के लिए हमें श्रीलंका जाना पड़ेगा रावण जी से मिलने? नहीं, आजकल रावण पराई औरतों को टच नहीं करता है। आजकल ये तो क्या कर रहा है? छोड़ ना यार, तुम मतलब की बात सुन। हाँ ठीक है, बोल। देख केशव, अगर तुझे वाकई इंटरेस्ट है तो मैं एक साइंटिस्ट को जानता हूँ। डॉक्टर रिपीट कर। जरा रिपीट कर। डॉक्टर रिपीट कर। रिपीट कर। डॉक्टर रिपीट कर। रिपीट कर। अबे डॉक्टर रिपीट कर। अरे तू एक ही लाइन को बार बार रिपीट क्यों कर रहा है? अबे उसका नाम डॉक्टर रिपीट कर। तो ऐसा बोलना है? हाँ, डॉक्टर रिपीट कर। हाँ। कई सालों से वो क्लोनिंग पर प्रयोग कर रहा है। अच्छा, ये डॉक्टर रिपीट कर कहाँ रहता है? मेरे पड़ोस में। हाँ? लेकिन केशव, हमारे मोहल्ले में मेरे सिवाय उसकी किसी से पट्टी नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है कि जब से उसने क्लोनिंग पर प्रयोग शुरू किए है, हमारे एरिया में एक ही साइज के एक जैसे दिखने वाले काफी चूहे नजर आने लगे हैं। क्या बात कर रहा है गोखले? फिर तो इस डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। चल मिलते हैं और क्लोनिंग का भाव निकालते हैं। चल चल चल। अब थोड़े ही दिन में तो एकदम ठीक हो जाएगी। कमाल है नहीं गोखले? अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्लोनिंग के कितने पैसे लेते हैं? सॉरी, मैं क्लोनिंग के पैसे नहीं लेता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, वरना मुझे कल ही अपने मैनेजर शर्मा को एप्लीकेशन देना पड़ता लोन के लिए। आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजर की बात कर रहे हैं? यस, बबलू शर्मा, आप उसको जानते हैं? हाँ जानता हूँ, अरे मैंने तो उसको क्लोन किया हुआ है। अरे फिर हमें आते जाते ऑफिस में डांटते रहता है, वो कौन है? नहीं, वो असली शर्मा जी नहीं है, मेरे क्लोन किए हुए शर्मा जी है। तो फिर असली वाले कहाँ गए? सुना है कोई गोखले और कुलकर्णी दो स्टाफ मेंबर से तंग आकर उसने अहमदाबाद ब्रांच में ट्रांसफर ले लिया। अरे वाह डॉक्टर साहब, ये सारे चूहे एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? एक जैसे ही दिखेंगे ना, मैंने इस सब का ग्रुप क्लोनिंग किया हुआ है। दरअसल ये तकनीक मुझे ये प्राचीन किताब से प्राप्त की। आप भी तो प्राचीन लग रहे हैं डॉक्टर साहब। आगे सुनो, किसी रक्त बीज राक्षस नाम के ऋषि साइंटिस्ट ने ये किताब लिखी। ओ, तो लोगों को कच्चा चबाने के बाद राक्षस लोग कुछ अच्छा काम भी करते थे? और इसके प्रयोग से सिर्फ जानवर ही नहीं, मनुष्य की किसी पेशी से दूसरे मनुष्य पैदा किए जा सकते हैं। आपने कभी मनुष्य पर प्रयोग किया है डॉक्टर? एक मिनट पीट कर। डिट्टो टू डिट्टो, सेम टू सेम। डॉक्टर साहब, आपने अपने आप को भी क्लोन कर लिया? दरअसल मैं ये ओरिजिनल साइंटिस्ट है डॉक्टर पीटकर, मैं हूँ क्लोन रिपीट कर। अरे मुझे क्लोन बनाकर क्लोनिंग के धंधे में लगाकर खुद ऐश कर रहा है वो। गायको बोलो या गायको मुझे? कुछ नहीं, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। ठीक है। आप कहिए, आपको किसका क्लोनिंग करवाना है? डॉक्टर साहब, मेरे पड़ोस में प्रेमा शालिनी नाम की एक एक्ट्रेस रहती है, उसका क्लोनिंग करवाना है। ठीक है, उसका कोई सेल ले क्या? नहीं, सेल मतलब वो बैटरी पे नहीं चलती। मेरा मतलब है मांसपेशी या खून का खतरा भी चलता है। खून? नहीं डॉक्टर, मैं प्रेमा जी को जख्म नहीं दे सकता। ठीक है, फिर उसका नाखून ले गया। नाखून चलेगा? चलेगा, खून के बदले मैं नाखून से क्लोनिंग कर दूंगा। यार केशव, अब हमें बड़ा खर्च करना पड़ेगा। बड़ा खर्च? किस लिए? नेल कटर लाना पड़ेगा। चलो चलो। अच्छा डॉक्टर। हेलो प्रेमा जी। हेलो। क्या कर रही हैं आप? नेल शेप कर रही थी। नया शेड निकला है नेल पॉलिश। बहुत ही बढ़िया शेड है। प्रेमा जी, मैं शेप देने में आपकी मदद करूं? मैं नाखून काटने में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। आप पहले ब्यूटी पार्लर में काम करते थे क्या? नहीं प्रेमा जी। तो फिर कहाँ से सीखा आपने? घर में ही सीखा। क्या है, कोकी कभी कभी गुस्से में आकर मेरा मुंह नोच लेती है ना, तो रात को जब वो सो जाती है तब मैं उसके नाखून खा जाता हूँ दांतों से। मुझे नेल्स कटवाने नहीं है, मैं तो सिर्फ शेप करने में इंटरेस्टेड हूँ। अरे शेप देने में तो मेरा कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। प्रेमा जी लाइए। लेकिन तूने अभी इस वक्त इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? ए दिलरुबा, आज तक मैंने तुझसे कुछ मांगा है? कभी कुछ नहीं मांगा, जो चाहा वो हमेशा छीन लिया है। ओह, काम डाउन।
केशव जी को कुछ कहना होगा, राइट? आप कहिए ना। प्रेमा जी, मुझे एक छोटी सी चीज चाहिए। मुझे आपकी उंगली का एक नाखून चाहिए। नाखून? यस। नो नो, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं दे सकती। मेरी शूटिंग है, उसमें एक सीन है जिसमें मैं हीरो की माँ का गला दबाती हूँ, उसमें मेरे हाथों का क्लोजअप आएगा। डेडली सीन है। प्रेमा जी, इफ यू डोंट माइंड, आपके नाखूनों का यहाँ जो वेस्टेज पड़ा है उसमें से एक नाखून उठा लूं? इफ यू डोंट माइंड, उठा लेता हूँ। उठा उठा, कचरा उठा। अच्छा, ओके। बाकी का कचरा तू साफ कर लेना। मैंने केशव जी से ये तो पूछा ही नहीं कि उन्हें मेरे नाखून क्यों चाहिए थे। अभी फोन करके पता करता हूँ। मिल गया गोखले, प्रेमा जी का नाखून मिल गया। तू फौरन डॉक्टर रिपीट करके अपॉइंटमेंट ले ले और उसे कहना ये एक सीक्रेट मिशन है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गोखले, एक बार प्रेमा जी का क्लोनिंग हो जाने दे, बाद में कोकी भी देखती रह जाएगी कि मैं आजकल बालकनी से क्यों नहीं जागता। बाद में प्रेमा जी के लिए लोखंडवाला में एक छोटा सा फ्लैट ले लूंगा, वन रूम किचन, और हम दोनों आराम से वहां रहेंगे गोखले, आराम से। तुम्हें कॉमेडी है गोखले, कॉमेडी। दूसरा नाखून? दूसरा नाखून तुझे क्यों दूं भाई? नहीं नहीं, मेरे पास एक ही नाखून है। हाँ चल छोड़, हम कल शाम को मिलते हैं, ओके? अच्छा, ओके बाय। कल शाम तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? शाम याद करो, याद करो। क्यों, तुम्हें क्या काम है? कुछ नहीं, दिलरुबा जी कह रहे थे कि उनका कोई क्लोनिंग करने वाला साइंटिस्ट दोस्त इंग्लैंड से यहाँ आ रहा है। उसमें मैं क्या करूँ? क्यों ना चिंटू का भी क्लोनिंग करवा दे। पागल हो गई हो तुम कोकी, पागल हो गई हो। ये एक चिंटू मुझे भारी पड़ता है, पता चला घर में 50 चिंटू घूम रहे हैं, इतना राशन पानी कहाँ से लाएंगे? नहीं, मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। डैडी, डैडी, डैडी। क्या है? प्रेमा आंटी ने आपके लिए और एक नाखून भेजा है। क्या? मेरा मतलब है क्या, इस नाखून का मैं क्या करूंगा? चलो लाओ, चलो जाओ यहाँ से। गेट आउट। कोई जा ही नहीं रहा, लगता है सब बहरे हो गए। मैं ही चला जाता हूँ। कैसी है तेरी तबीयत? डॉक्टर रिपीट कर, हम प्रेमा जी का नाखून लाए हैं। वेरी गुड, नेल पॉलिश वाला, मतलब कि मैडम के गाल लाल लाल होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, प्रेमा जी जैसी दिखती है वैसी ही मुझे चाहिए। अरे यार, पहले उसे पैदा तो कर लेने दो, बाद में अल्टर कर लेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, कब चाहिए आपको इसका क्लोनिंग? अरे बस हम डिलीवरी लेकर ही जाएंगे डॉक्टर। नहीं नहीं नहीं, आज आज तो नहीं होगा, आज मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे एक नेता का क्लोनिंग करना है। नेताओं का क्लोनिंग क्यों करते हैं सर? नेताओं की संख्या तो बिना क्लोनिंग के ही बढ़ रही है। नहीं नहीं, ये नेता की कल मीटिंग है, उसे डर है कि लोग उसकी दुलाई करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के बाद वो अपने इलाके में गया ही नहीं, इसके लिए उसके बदले उसका क्लोन भेज देंगे। ओ, मतलब दुलाई होगी, पिटाई होगी, तो उसके क्लोन की डुप्लीकेट की। गुड आइडिया, गुड आइडिया। कैसे हो? लेकिन अब हम ज्यादा दिन घर से बाहर नहीं रह सकते। क्यों? पता चला कि घर पे दूसरा गोखले है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम डिलीवरी लेने कब आए? आए, काम कीजिए, परसों आ गए, आप अपनी प्रोडक्ट ले जाइए। ये रहा प्रेमा जी का नाखून डॉक्टर साहब, प्रोडक्ट जरा दिल से बनाना। डॉक्टर रिपीट कर, यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने क्या किया? चलो अंदर, सब कुछ पता चलेगा। इंस्पेक्टर, डॉक्टर रिपीट कर को अरेस्ट क्यों कर रहे हो? आप जानते नहीं, ये और इसका जुड़वा भाई दोनों पागल है। क्लोनिंग के नाम पर इसने पूरे एरिया में चूहे, बिल्ली और कुत्तों की संख्या बढ़ा दी है। ये तो अच्छा हुआ कोकिला कुलकर्णी जी ने हमें सही वक्त पे फोन किया। अब हमारा क्या होगा? बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी रिपीट हो चुका है। इस रिपीट कर को 5 बार ये लोग ने जेल में डाला है। जेल में अब तो सिर्फ रिपीट कर ही है। अरे छिपकली, कमाल है, क्लोनिंग वाली छिपकली। गोखले, इसका मुंह लाल लाल क्यों है? अरे केशव, वो पान खा रही है। पान खा रही है? दांत खराब हो जाएंगे। साफ केशव, साफ आया जरा। चिंटू, मेरी डैडी आ गए। क्या बात है केशव, बड़े नर्वस लग रहे हो। नहीं तो मैं कहाँ नर्वस लग रहा हूँ। और ये क्या कुकी, जब देखो नाखून काटती रहती हो। अरे दिलरुबा जी कहते हैं नाखून काटने से उंगलियाँ और नाजुक दिखती है। वो कब आया था तुम्हारी उंगलियों का मुआयना करने? क्यों दिलरुबा जी, उनके साइंटिस्ट दोस्त डॉक्टर दिलबर को लेकर यहाँ आए थे ना। डॉक्टर दिलबर? हाँ, क्यों चिंटू आए थे ना। अरे हाँ, और उन्होंने मुझे कुछ कहा।
क्या कहा? उन्होंने कहा यू लुक वेरी स्मार्ट, तुम्हारा भी क्लोनिंग करना चाहिए। वो तो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे थे। अच्छा? हाँ, कह रहे थे कि तुम्हारा पति ठीक तरह से बिहेव कर रहा है कि नहीं, या उसका क्लोन भिजवा दूँ। लेकिन मेरी परमिशन के बगैर मेरा क्लोन कैसे भेज सकते हैं वो? क्यों, तुम्हारा एक नाखून है ना मेरे पास, 10 साल से मैंने तिजोरी में संभाल कर रखा है। केशु, मुझे 10 साल पहले का जवान केशु मिल जाता। अच्छा, क्योंकि ये डॉक्टर डिलबर्ग हिंदुस्तान में है कि इंग्लैंड चले गए? नहीं, कल तक है। कल वो जू में उनके क्लोनिंग का एक डेमो देने वाले हैं। अच्छा, जरा डिटेल में उसका एड्रेस बताओगी कोकी? हाँ, बताती हूँ। गोखले, गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। क्या है केशव? प्रेमा जी का क्लोनिंग करवाने का बहुत ही अच्छा मौका आया है। लेकिन यार, डॉक्टर रिपीट कर को तो पुलिस ने अंदर कर दिया। अरे रिपीट कर को मारो गोली, एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर मिला है, डॉक्टर डिलबर्ग। डॉक्टर डिलबर्ग? यस, यानी ओरिजिनल क्लोनिंग एक्सपर्ट। राइट, ये देख उसका पता। और ये डॉक्टर आज शाम को डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला है लोगों को क्लोनिंग का। वाओ, लेकिन प्रेमा जी का नाखून तो डॉक्टर रिपीट कर लेके गया। नो प्रॉब्लम गोखले, ये देख मेरे प्यारे प्यारे बेटे चिंटू ने प्रेमा जी का फुल साइज का नाखून मुझे दिया है, रेड कलर का। ओए ओए केशव, इस नाखून को तो देखकर लगता है कि तुम्हारी वाली प्रेमा शालिनी कश्मीर की कली होगी। हाँ गोखले, हाँ। Come on, let's go to Dr. Dilbar. Let's go to Dr. Dilbar. Oh, let's go to Dr. Dilbar. Yeah, yeah. Come on, let's go. Come on, let's go. Dr. Dilbar. क्या बोल रहा है? इसलिए मैं तुझे हमेशा कहता हूँ केशव, इंग्लिश मीडियम वाला नाइट स्कूल ज्वाइन कर। शट अप, शट अप। डॉक्टर साहब, आप जरा इंग्लैंड वाली अंग्रेजी मत बोलिए, आप सादी अंग्रेजी बोलिए। हाँ, मैं पूछता आपका नाम क्या? ऐसा पूछिए ना, मेरा नाम है केशव कुलकर्णी। गुड गुड, बोलिए किसका क्लोनिंग करवाने का है? डॉक्टर साहब, हम ये नाखून लाए हैं। ये किसका नाखून है? वो आप क्लोनिंग कर लीजिए ना, खुद ब खुद पता चल जाएगा। गुड गुड, अमला अमदा लैब में जाएगा, क्लोनिंग करके सैंपल को बाहर भेजेगा। ओके, इन द मीनवाइल डोंट टच एनीथिंग। ओके ओके ओके। गोखले, अभी पता चल जाएगा ये डॉक्टर डिलबर्ग कितना पावरफुल है। केशव, डॉक्टर डिलबर्ग अगर सक्सेसफुल होता है तो मैंने माधुरी दीक्षित के नाखून के लिए उसके मेकअप मन से बात करके रखी है। नॉटी बॉय। गोखले, अब मुझसे ये सस्पेंस सहा नहीं जाता। प्रेमा जी, तुम कौन? मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका पड़ोसी केकू। हम तो नहीं पहचाना, हम तो अभी पैदा हुआ हूँ। अब बात समझ में आ गई केशव, क्लोनिंग किया हुआ प्राणी दिखने में भले ही ओरिजिनल लगे, फिर भी वो एक अलग ही प्राणी है। लेकिन ये क्लोन हम तुम्हारा दिया नाखून से नए बनाया। ये हमारा वाला नहीं था? ना ना। तो फिर ये माल कैसे बना? ये इसका पति जो है दिलरुबा, वो नाखून दिया, हम उससे बनाया ये क्लोन। मतलब दिलरुबा के बच्चे ने मेरा आइडिया चुराया। तो फिर मेरा वाला माल किधर है डॉक्टर? आपका माल भी अंदर में रेडी है। रेडी है? तो बुलाइए ना। बुलाता है, बुलाता है। एक्सक्यूज मी, क्लोन नंबर 22A/12 बाहर आना। भाभी, केशव, चिंटू ने तुम्हें किसका नाखून दिया था? क्यों, अच्छा नहीं लगा? तुमको ये क्लोन पसंद नहीं आया? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इसको हम अपने साथ में लेके जाएंगा, इससे शादी मनाएंगा, और बाद में होनोलुलु में हनीमून मनाएंगे। हनीमून के बच्चे, दिलरुबा, दिलरुबा। और केशव जी, मैं प्रेमा। केशव,